श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो असलाह कनिषवत श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राज्य के चरण कमल की विशेषता बता रहे हैं, तो उन चरण कमलों को ब्रह्मात्मा अपने हृदय में धारण करती हैं तो ब्रह्मात्माओं का महत्व बढ़ जाता है। तो उस प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, गुण केते कहों इन कदम के, इन चरण कमलों के गुणों का वर्णन कितना करूं। जिन्हें अखंड किया इत, जिन्होंने ब्रह्मात्मा के हृदय को, नश्वर शरीर के हृदय को भी यहाँ पर अखंड कर दिया है। एक कदम ताले तीन के जो असलह कनिष्वत, सचमुच ये चरण कमल तो उन्हीं ब्रह्मात्माओं के भाग्य में हैं, उनको ही, उनके ही हृदय में ये चरण कमल स्थापित होंगे जिनका पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ में असली संबंध है। तीन भाग की मैं क्या कहूँ, जिन दिला एक कदम वशत, उन ब्रह्मात्माओं के भाग्य की बात मैं क्या कहूँ जिनके हृदय में ये चरण कमल विराजमान होते हैं। धन धन कदम धन ए दिल, धामधनी के चरण कमल ये तो धन्य है ही, उनके हृदय में स्थापित होने से अथवा हृदय में अंकित होने से ब्रह्मात्माओं का हृदय भी धन्य हो जाता है। जो असलह कनिष्वत कि ये असली संबंध पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ये सच्चा संबंध है, तभी उनके हृदय में उनके चरण कमल अंकित, ब्रह्मात्माओं के हृदय कमल में उनके चरण कमल अंकित होते हैं। कही मलकुतवारों तिन खाक पर जिन दिलाए कदम आवत, वैकुंठ के करोड़ों सुखों को अथवा करोड़ों वैकुंठ के सुखों को भी कि उनके रज पर, खाक का तात्पर्य मिट्टी, उस उनका वो चरण रज, उनके उनके रज पर समर्पित करते हैं। जिन दिलाए कदम आवत, जिनके हृदय में ये कद चरण कमल आते हैं। कहने का तात्पर्य जिन ब्रह्मात्माओं के हृदय में ये चरण कमल स्थापित हुए हैं, अंकित हुए हैं, उन ब्रह्मात्माओं के, उनको जो सुख प्राप्त होता है उसके सम्मुख तो करोड़ों वैकुंठ के सुख भी कुछ नहीं है। इसलिए कहते हैं ना, कई कई कोट राज वैकुंठ के ना आवे इत के खिन समान, सो जन्म वृथा जाता है कोई चेतली जो चतुर सुजान। तो ये उसी बात को यहाँ पर समझा रहे हैं दूसरे तरीके से। और दिल अरस न हो वही बिना असल कनिष्वत, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ संबंध न हो तो उनका हृदय परमधाम नहीं बन सकता। उनके हृदय में पूर्ण ब्रह्म विराजमान नहीं होंगे तो परमधाम नहीं होगा। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरण कमल को हृदय में ब्रह्मात्मा ही अंकित कर सकती है, तो उनको जो सुख प्राप्त है परमात्मा का, उसके सामने तो करोड़ों वैकुंठ के सुख हैं, वो भी नगण्य हैं, ये कहना चाह रहे हैं। दिल सा चले शरियत चले या पाक होए ले तरिकत, कोई सच्चे हृदय से सरा कर्मकांड का मार्ग का अनुसरण करते हैं, या कोई पाक होए पवित्र हो करके पवित्र हृदय से तरीकत उपासना का मार्ग ग्रहण करते हैं। दिल अरस न होए बिना मोमिन, किंतु इतना कुछ करने पर भी उनका हृदय परमधाम नहीं बनता, वो तो ब्रह्मात्माओं का ही बनेगा। जाकि असल हक निश्वत, जिनका असली संबंध है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ में।
कोई करो सब जिमी सेजदा, पालो अरकान लग क्या मत, जैसे कथे परंपरा में क्या कहते हैं, तो वो किसने आदम ने एक एक इंच कोई जग कोई जमीन रहने नहीं दी, इतना उसने प्रणाम किया। तो इस तरह से कितना ही उस बार वो जमीन में सेजदा सेजदा करना का तात्पर्य प्रणाम करना, न्यौछावर करना, ऐसा करो करें, अथवा तो पालो अरकान लग क्यामत, क्यामत पर्यंत। अरकान उनके नियम हैं, 52 प्रकार के नियम ऐसा कहा गया है, वे कितने कैसे हैं ये मालूम नहीं है, तो उन नियमों का पालन करें। पर एक कदम ना आवे दिल में बिना असलह करने शब्द, किंतु उनके हृदय में भी ये चरण कमल अंकित नहीं होंगे, क्योंकि उनका भी संबंध पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से नहीं है। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से संबंध हुए बिना उस हृदय में उनके चरण कमल अंकित नहीं होंगे। तिहत्तर फिरके मोहम्मद के, रसूल मोहम्मद के 73 प्रकार के फिरके, अलग अलग गुट ऐसे बने, ऐसा कहा है। तामे एक को हक हिदायत, तो मोहम्मद कहते हैं उनमें से एक को ही परमात्मा का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। तो और नारी एक नाजी कया, बाकी सब फिरके नारी, नारी का अर्थ वो लोग करते हैं नरकगामी, और नाजी कहते हैं वो नाज रखने वाले पर उनको एक खुदा के प्रति समर्पित होने वाला, ऐसा वो मानते हैं। तो कहते हैं वो तो एक उनमें से 73 गुटों में से एक ही गुट है जो परमात्मा के प्रति विश्वास रखता है। तो वो उसके लिए कहते हैं, देखो जिसके लिए रसूल कह रहे हैं एक ही समुदाय, वो तो ब्रह्म सृष्टि के लिए कह रहे हैं, बाकी तो कहाँ कर पा रहे हैं, तो वो कहना चाह रहे हैं। तो उनका ही असली संबंध पूर्ण ब्रह्म से है। अब वैदिक परंपरा की बात समझा रहे हैं। उत्तम होए सटकर्म पाल करो, उत्तम होकर के उत्तम कुल में उत्पन्न होकर के सटकर्म का पालन करें, आचार करो विदोगत और विधिपूर्वक आचरण करें। ब्रह्मचरण ना आवे ब्रह्म सृष्टि बिना, फिर भी ब्रह्म सृष्टि के बिना पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरण उनके हृदय में अंकित नहीं हो सकेंगे। जाके ब्रह्म सो नश्वत, जिनका ब्रह्म से संबंध है उनके हृदय में ये चरण कमल आते हैं, बाकी औरों के उसमें नहीं आएंगे। षट शास्त्र पढ़ो कांड तीनों, 6 प्रकार के शास्त्रों का वर्णन है वो, और 3 प्रकार के कांड है, कर्म उपासना और ज्ञान। और नियकर्म विदोगत, विधिपूर्वक कर्म करते हुए निष्काम भाव रखें, फिर भी ए चरण न आवे ब्रह्म सृष्टि बिना जाके ब्रह्म सन्निश्वत। तो ब्रह्म सृष्टि न हो तो उनके हृदय में ये चरण कमल तो नहीं आएंगे, क्योंकि ब्रह्मात्माओं का ही संबंध इन चरणों से है। नवो अंगों पालो नवदा, नवदा भक्ति में से कुछ लोग कुछ भक्ति करते हैं, तो ये नवो अंगों नवो ही प्रकार के की भक्ति करें। और लियो वैकुंठ चार मुगत, वैकुंठ के चारों प्रकार के मुक्ति के अधिकारी भी बन जाएं, चारों में से किसी एक की नहीं, चारों प्रकार के मुक्ति के अधिकारी बने, फिर भी ए चरण न आवे ब्रह्म सृष्टि बिना जाके ब्रह्म सन्निश्वत। जिनका पूर्ण ब्रह्म से संबंध है ऐसे ब्रह्म सृष्टियों के अतिरिक्त कितनी भी साधना करने वाले होंगे उनके हृदय में ये चरण कमल अंकित नहीं हो पाएंगे। वेद शास्त्र पुराण पढ़ो सब पैड़े देखो प्राप्त, वेद शास्त्र उपनिषद पुराण इन सब का अध्ययन कर लें और सब मार्गों को देख लें, जितने भी उपासना के मार्ग बताए गए हैं। ए चरण न आवे ब्रह्म सृष्टि बिना जाके ब्रह्म से उन्निश्वत, किंतु ये चरण कमल तो ब्रह्म सृष्टि के अतिरिक्त किसी के हृदय में अंकित होने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनका ही संबंध पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से। तो ये सब पेड़े देखो प्राप्त, ये कहते हैं ना, तो ये है, इसका तात्पर्य यह है,
सब मार्ग, जितने भी मार्ग हैं, उन सब मार्गों से कुछ न कुछ तो प्राप्त होगा ना। तो सभी मार्गों से प्राप्त होने वाले सब प्रकार की सिद्धियां अथवा लाभ प्राप्त भी कर लें, फिर भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरण कमल तो हृदय में अंकित नहीं होंगे, वो तो ब्रह्म सृष्टि के हृदय में ही होंगे, ये कहना चाह रहे हैं। कोई वेद पांचों मुख पढ़ो, पांच प्रकार के वेदों की बात कहिए, चार प्रकार के, वैसे तो वेद तीन ही प्रकार के होते हैं, फिर अथर्वा और अंगिरस ऋषि ने संकलन करके चतुर्थ वेद अथर्व वेद उस जिसको कहते हैं वो तैयार किया। उसके बाद में इतिहास पुराण वगैरह अथवा जिसमें भी ब्रह्म संबंधी बात है उनको भी ब्रह्म वेद कहा। तो अलग अलग लोग अलग अलग ग्रंथों को वेद मानते हैं, तो वो पांचों वेदों का मुंह से पाठ भी कर लें, अध्ययन भी कर लें। कई त्रिगुण जात पढ़ता, और ये केवल मनुष्य ही नहीं, त्रिगुणाधिपति भी उनका अध्ययन कर लें तो भी पर ये चरण न आवे ब्रह्म सृष्टि बिना। ब्रह्म सृष्टि के अतिरिक्त और किसी के भी हृदय में ये चरण कमल अंकित नहीं होंगे। जाकि ब्रह्म सो निश्वत, जिन ब्रह्मात्माओं का संबंध, उन ब्रह्मात्माओं का संबंध पूर्ण ब्रह्म से है। ब्रह्म सृष्टि कई वेद ने ब्रह्म जैसी तदोगत वैदिक ग्रंथों में ये समझाया है कि ब्रह्म को जानने वाली आत्माएं हैं वो ब्रह्म के समान होती है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव होती, तो उसको ही तदोगत कहा है उनके अनुरूप। तो वो ब्रह्म सृष्टि ही वो ब्रह्म के समान मानी जाती है। तौला न कोई इनकी तुलना में दूसरे कोई भी नहीं आते हैं। जाके ब्रह्म सुनिश्वत, इन्हीं ब्रह्मात्माओं का संबंध पूर्ण ब्रह्म से है। सुख जी आए इन वास्ते, सुख जी श्रीमद् भागवत को लेकर के आए तो इनके लिए हैं, ले किताब भागवत, भागवत ग्रंथ लेकर के। ए चरण न आवे ब्रह्म सृष्टि बिना, जाके ब्रह्म सो निश्वत, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ये चरण कमल इन ब्रह्म आत्माओं के अतिरिक्त किसी के भी हृदय में अंकित नहीं होंगे, क्योंकि इनका इस संबंध पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से है। ब्रह्म ने भेजी परमहंस पर वेद अस्तुत बंदोबस्त, तो स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने इन परमहंसों के लिए वैदिक स्तुतियाँ वगैरह इन सब की व्यवस्था कर दी, कि जो भी वैदिक ग्रंथों में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की स्तुति की गई है, जिन जिन ग्रंथों में परमात्मा की बातें कही गई है, वो सब इन ब्रह्मात्माओं के लिए हैं, ये समझने वाले हैं। ए ब्रह्मचरण क्यों छोड़ी, जाके ब्रह्म सुनिश्वत, इन ब्रह्मात्माओं का ही संबंध पूर्ण ब्रह्म से है, इसलिए हुए उन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों को छोड़ने वाली नहीं है, उनको हृदय में अंकित करेगी। कही आई उपनिषद इन पे पूर्व ऋषि कहे जित, उपनिषदों का ज्ञान भी इनके लिए ही है, इनके लिए ही कहा गया है। बाकी लोग उसको सुन करके अपने सन्मार्ग पर बढ़ सकते हैं, किंतु परमात्मा की प्राप्ति है वो तो पूर्ण ब्रह्म की अनुभूति है, वो तो ब्रह्म सृष्टि कर सकती है। तो इसलिए उपनिषदों का ज्ञान भी इनके लिए ही है। पूर्व ऋषि कहे जित, इन्हीं ब्रह्म आत्माओं को पूर्व काल के ऋषि ऐसा माना गया, तो जिन ऋषियों को मंत्र दिखते थे, तो ऐसे ये ब्रह्मात्माएं इनको परमात्मा के चरण कमल दिखते हैं, सब कुछ दिखता है, तो इसलिए ये पूर्व काल के ऋषि यही हैं। धाम बका पाया इन्होंने, इन्होंने ही अखंड धाम को प्राप्त किया है, जाके ब्रह्म सो निश्वता, इनका इस संबंध पूर्ण ब्रह्म से है। ब्रह्म सृष्टि मोमिन कहे रुए लेवे वेद कते विगत, यही आत्माएं वैदिक ग्रंथों का और कतेव ग्रंथों का रहस्य ग्रहण करती है, और वैदिक ग्रंथों में इनको ब्रह्म सृष्टि कहा और कतेव ग्रंथों में उनको मोमिन कहा, तो इस प्रकार से कहा गया है। तो ये ब्रह्मात्माएं ये समझ चरण ग्रहे ब्रह्म के, ये समझ करके इन ग्रंथों को समझ करके ब्रह्मा पूर्ण ब्रह्म के चरणों को ग्रहण करती है, इनका इस संबंध
पूर्ण ब्रह्म सहजाके ब्रह्म सो निश्वत। ब्रह्म सृष्टि रूहे नाम दोए अरस रूहे ए जानत, तो इनको ही ब्रह्म सृष्टि ऐसा कहा है और इनको ही श्रेष्ठ आत्मा ऐसा कहा, इनको ही परमधाम की आत्मा ऐसा कहा है। अरस रूहे ए जानत कतेब ग्रंथों में परमधाम की आत्मा कहा, इधर ब्रह्म आत्मा कहा वैदिक ग्रंथों में। तो दो जान चरण ग्रहे एक ही, दोनों प्रकार के परंपराओं में जो भी रहस्य की बात कही है उन सबको ये समझ सकती हैं और वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों को ग्रहण करती हैं। तो वो दोनों परंपराएं हैं, उनका लक्ष्य एक ही परमात्मा है, उस बात को समझती हैं ये ब्रह्मात्माएं, क्योंकि इनका संबंध पूर्ण ब्रह्म से। पढ़े वेद कतेब को जोग कसब ना पहुँचत, कई लोग वेदों का अध्ययन करेंगे, वेदों को रटेंगे भी, कतेब को भी रटेंगे, और योग कसब, योग अभ्यास और कसब बोलते हैं एक व्यावसायिक रूप से, मतलब पूरे उसमें लग करके आध्यात्मिक कुछ भी क्रिया वगैरह करना, तो इतना करने पर भी ना पहुँचा था। इन ब्रह्मात्माओं के समान तो पहुँच नहीं पाते हैं। दिल अरस किया जिन कदमों ने ब्रह्मात्माओं के हृदय को परमधाम बना दिया है, ये ना आवे बिना हक निश्वत। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के संबंध के बिना ये चरण कमल उनके हृदय में अंकित नहीं होंगे। वो कितना भी अभ्यास कर लें, कितने भी आध्यात्मिक बन लें, फिर भी ब्रह्मात्मा हो तो उनके हृदय में ये चरण कमल अंकित होंगे, उनको ये सब पता चलेगा, शिष्य लोगों को इतना पता नहीं चलेगा। दिल अरस कया जो मोमिन, जिन आत्माओं के हृदय को परमधाम कहा है, जो दिल नाजी पाक उमत, जिनको ऐसे दिल वालों को पाक उम्मत श्रेष्ठ समूह कहा और उनके दिल को नाज करने वाले ऐसा कहा, और इलाज ना इल्म कोई, दूसरा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरण कमल को प्राप्त करने का ना तो दूसरा उपाय है और ना कोई इल्म ज्ञान है, बिना असल हक निश्वत। तो संबंध के बिना, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का संबंध ना हो तो दूसरे कितने भी प्रयत्न कर लें ये अनुभव नहीं होगा। इल्म लुदनी भेजिया सो मोमिना ए परखत, इन्हीं ब्रह्म आत्माओं के लिए ज्ञान भेजा है, इसको इल्म लुदनी ऐसा कहा है कते परंपरा में। तो सो मोमिना ए परखत, तो ये ब्रह्म आत्मा ही है, इस प्रकार परखी गई है। परख चरण ग्रहे हक के, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को परख करके, पहचान करके उनके चरणों को अपने हृदय में ग्रहण करती है, जाके असल हक निश्वत, इनका इस संबंध पूर्ण ब्रह्म से है। हक हादि की मेहर से भीष्ट आठ ओषी आखरत, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कृपा से कथे परंपरा में जैसा कहा है, कयामत के समय पर आठ प्रकार के मुक्ति स्थल स्पष्ट होंगे, इनके द्वारा ही होंगे। पर ये चरण नावे दिल में बिना असल हक निश्वत, किंतु जिनको मुक्ति भी मिल जाएगी, कई आत्माओं को मिलेगी, किंतु पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरण कमल तो इन्हीं आत्माओं के हृदय में आती है, ग्रह अंकित होंगे। मोहम्मद सूरत हक के बिना द्वार खोले ना हकीकत, मोहम्मद ने इस प्रकार समझाया है कि उन्होंने जो तीन प्रकार के स्वरूप की बात कही है उसमें हक के स्वरूप की बात करते हैं, कि उनके बिना तो परमधाम के द्वार कोई खोल ही नहीं सकता है। तो एक कदम पावे दिल अवलिया, तो उन्होंने परम खुदा के साथ मित्रता रखने वाले आत्माओं का उल्लेख किया है, तो वो मित्रता रखने वाली आत्माएं ये ब्रह्म आत्माएं हैं, वही इन कदमों को, पूर्ण ब्रह्म के कदमों को ग्रहण कर सकती है, जाकि असल हक निश्वत, जिनका असल संबंध पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से है। तो ये शब्द अलग अलग ग्रंथों के हिसाब से अलग अलग प्रकार से प्रयोग किए हैं, किंतु सबका कहने का तात्पर्य एक ही
ब्रह्मात्माओं की बात कही गई है और ये ब्रह्मात्माएं ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के इन चरण कमल को ग्रहण करती है। तो चरण कमल कितने महत्वपूर्ण हैं ये बात यहाँ पर समझा रहे हैं। तो अभी यहीं रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जाके असला कनिषवत मोहम्मद सुरत हकि बिना द्वार खुले ना हकीकत कदम पावे दिल औलिया जाके असला कनिषवत जाके असला कनिषवत श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज की जय।